मुरादाबाद के कांट थाने में तैनात दरोगा की दबंगई का मामला सामने आया है। मामूली हादसे के बाद कांट थाने के दरोगा ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तैनात सीआरपीएफ जवान व उसकी पत्नी के साथ अभद्रता की। उनका मोबाइल छीनकर दोनों को कांट थाने ले गए। सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने एएसपी से शिकायत करते हुए दरोगा के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। एसएसपी ने सीओ कांट को जांच कर दरोगा के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। सीआरपीएफ जवान जसवीर सिंह अमरोहा के नौगावा सादात इलाके का रहने वाला है। उसकी तैनाती जम्मू कश्मीर के पुलवामा में है। जवान की पत्नी ने बताया, रिश्तेदार की शादी समारोह में भाग लेने के लिए वह यहां आया था। शादी में भाग लेने के बाद 25 फरवरी को कांट से अमरोहा लौट रहा था। रास्ते में एक डीसीएम ने उनकी कार में टक्कर मार दी। आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात कांट थाने के दरोगा से शिकायत की तो उसने पैसे लेकर डीसीएम चालक को छोड़ दिया। विरोध करने पर दरोगा ने पति व उसके साथ अभद्रता की, मोबाइल फोन भी छीन लिए, कांट थाने में 2 घंटे तक हवालात में रखा। संगीता की शिकायत पर एसएसपी अमित पाठक ने सीओ कांट को जांच कर आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजीदेली की रिपोर्ट। मेरा नाम संगीता रानी है। जी बताइए, क्या मामला हुआ था और क्या शिकायत आपने करने के लिए आप यहाँ आई हैं? हम शादी में गए थे डुडैला, कांट के पास पड़ता है डुडैला जी। तो मैं जैसे गाड़ी लेके आती, मेरे पास गाड़ी थी स्विफ्ट डिजायर, तो मैं गाड़ी इंडिकेटर देके जैसे क्रॉस कर रही थी ना चौराहे पे, से तो एक वहाँ से डीसीएम वाला आया, उन्होंने लाइट लाइट फोड़ दी। लाइट फोड़ने के बाद मैंने गाड़ी साइड पे की और मैं दरोगा पास, दरोगा जी के पास गई। मैंने कहा ऐसे गाड़ी, तो उन्होंने पैसे लेकर दरोगा उसे डीसीएम वाले से और उसको भेज दिया। तो मैंने कहा ऐसा आप क्या क्यों कर रहे हो? तो इतने मेरे हस्बैंड पहुँचे, ये दूसरी गाड़ी चला रहे थे। फिर क्या हुआ, तो उन्होंने इसका इनका गिरहबान पकड़ के अपनी गाड़ी में डाल दिया। 100 नंबर की गाड़ी थी, डाल के हम दोनों को काट ले गए। बच्चों मतलब हमारे बच्चे भी गाड़ी में थे, उन्होंने गाड़ी लॉक भी नहीं करने दी। बच्चे वहाँ पे रोते रहे और इन्होंने मतलब गिरहबान पकड़ डाल दिया और मुझे भी वहीं डाल दिया। डंडे मतलब डंडे फेरने लगे वो लोग, और 2-3 घंटे में वहाँ थाने में रखा, कांट थाने में। फिर उनके बाद मतलब वो उन्होंने हमें भेज दिया। आपके साथ क्या बदतमीजी हुई? बदतमीजी तो डंडा डंडा मार रहे थे, डंडा था उनके पास। तो आपके डंडे मारे क्या? आपके डंडे मारे? जी हाँ, मेरे मारे उन्होंने। और आपके पति को भी मारा? हाँ जी, पति को तो धक्का देके मारे, वो बहुत सारे पुलिस वाले थे ना वो। तो पति क्या करते हैं आपके? जी मेरे पति सीआरपीएफ में है। कहाँ पर तैनात हैं? पुलवामा, जम्मू कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। तो अब आप क्या चाहती हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई चाहती हैं? जी हाँ, वो आगे किसी के साथ ऐसा ना करें। तो कप्तान साहब से आपकी मुलाकात हुई? जी नहीं। भाभी जी हाँ, क्या नाम है आपका? दिन कहाँ पर तैनात है? मेरी जम्मू कश्मीर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या घटना हुई आप लोगों के साथ में? सर हम मतलब कांट से शादी में आ रहे थे, डुडैला गांव पड़ता है, वहाँ से आ रहे थे। आने के बाद इधर ओमली चौराहे पे मेरी बाइक गाड़ी चला रही थी, तो मैं दूसरी गाड़ी में था, तो एक डीसीएम वाला मार के चला गया, लाइट भी टूट गई उस गाड़ी की। तो अब उन्होंने रही बात उसकी, तो जो जैसे 2 पुलिस वाले मेरी बाइक गई दरोगा साहब से शिकायत करने, तो 2 पुलिस वाले और भी मतलब दरोगा साहब भी मतलब ना तो सुनने के लिए वो हो गए, और उनके पैसे उससे ले गए, उसको डीसीएम वाले को भगा दिया उन्होंने। ठीक, इतना मैं गया सर ऐसे उस तरीके से वो करना, और आपको हमारे वो डीसीएम वाले को डांटने की बजाय या वो करने की बजाय तो आप हम पे ही उल्टा मतलब वो कर रहे हो, तो और गंदा व्यवहार करने लगे कि इसे मारो बैठाओ, गाली गलौज करने लगे बैठा के। अच्छा, तो अब आपने शिकायत किससे की है? कप्तान साहब के पास आए थे, कप्तान साहब से मुलाकात नहीं हुई सर, लेकिन उन्होंने कहा है कि इंस्पेक्टर साहब थे, उन्होंने कहा है कि हाँ ये आपकी कुछ ना कानूनी कार्रवाई होगी, आप चिंता ना। अभद्रता की है किसी दरोगा जी ने, सर क्या पूरा मामला है? एक व्यक्ति परसों शाम को फोन किए कंट्रोल रूम को, और उसके पहले कांट थाना क्षेत्र में सड़क पर शिकायत आई कि एक व्यक्ति ने कार को एक ट्रक को ओवरटेक करके आगे लगा लिया है, और जिससे पूरा रोड पीछे का जाम हो गया है। ट्रैफिक जाम की उक्त सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, वहां पर देखा गया कि एक व्यक्ति गाड़ी में जो सवार ड्राइविंग कर रहे थे वो नशे की हालत में थे। पुलिस के द्वारा उनका मेडिकल कराया गया और नियमानुसार मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत उनकी गाड़ी का चालान किया गया है। शेष यदि कोई अन्य आरोप लगाए गए हैं तो प्रार्थना पत्र में उक्त तथ्यों की भी छानबीन की जाएगी।
JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।